प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने विश किया। पर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की बीवी अमृता फडणवीस के ट्वीट ने ट्विटर पर फिर एक अलग ही सिलसिला शुरू कर दिया है। अमृता अपने ट्वीट में मोदी को विश करने की कोशिश में शायद कुछ ज्यादा ही कह गई और मोदी को फादर ऑफ द नेशन कहकर एड्रेस किया। सोशल मीडिया ने इसके लिए जल्द ही उनको जवाब भी दे दिया, जहां एक ने कहा कि आपने गलत डेट पर विश कर दिया क्योंकि फादर ऑफ द नेशन का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ना कि 17 सितंबर को। तो दूसरे ने कहा कि इंडिया के फादर ऑफ द नेशन तो महात्मा गांधी हैं। अमृता फडणवीस पता नहीं किस देश की बात कर रही हैं। सीनियर जर्नलिस्ट सागरिका घोष ने याद दिलाया कि गांधी ने न सिर्फ सबसे बड़े नॉन वायलेंट मास मूवमेंट को लीड किया, बल्कि 200 साल के कॉलोनियल रूल से भी इंडिया को आजादी दिलाई। ये अचीवमेंट आज के किसी भी नेता के अचीवमेंट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और संकर्षण ठाकुर ने लिखा कि ये देश सिर्फ एक ही को फादर ऑफ द नेशन मानता है और वो है महात्मा गांधी। एक और जर्नलिस्ट ने तो मैडम फडणवीस को सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करने की ही सलाह दे डाली। एक और मजेदार ट्वीट में किसी ने गांधी और मोदी की चरखा चलाते हुए फोटोज को कंपेयर करते हुए एक तरफ लिखा फादर ऑफ नेशन और दूसरी तरफ फादर ऑफ डिल्यूजन। पर कुछ ही देर में दूसरी तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई। अमृता फडणवीस के सपोर्ट में किसी ने मोदी को आज के इंडिया का फादर ऑफ द नेशन कहा, तो किसी ने सन ऑफ द नेशन, और किसी ने तो गांधी को ही फादर ऑफ द नेशन मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एक यूजर ने तो सागरिका घोष से गांधी जी के फादर ऑफ द नेशन होने का प्रूफ ही मांग लिया। अब सोशल मीडिया पर जब ये जंग छिड़ ही गई है तो ये जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही।